लोग इस खुलासे पर कहां छिप जाते हैं जब ममता सरकार में पीएम मोदी की सुरक्षा में जबरदस्त लापरवाही बरती जाती है। क्यों विपक्ष के सवाल पर बोलती बंद है? बंगाल में घुसपैठियों की रक्षा करने वाली ममता पीएम की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रख पाई? मौके के इंतजार में और इसलिए मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। ममता राज में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़। पुलिस ऐसे मुंह मोड़ के खड़ा हुआ था, उसको पता था और ये पूरी तरीके से डिजाइन करके किए हैं। ममता ने मोदी की सुरक्षा की अनदेखी क्यों की? देश के प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में इतना कमियां प्रदेश सरकार से। बंगाल में घुसपैठियों की रक्षा, पीएम की नहीं सुरक्षा। कि आपका लीडर लोग बोलता है नेक्स्ट टारगेट अभी बंगाल है, ये ऑर्डर सिटी कौन दिया? देश नहीं चलेगा, इसमें सिविल वॉर हो जाएगा, ब्लड वॉर हो जाएगा। मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। पहले गृह युद्ध की धमकी, अब आपातकाल का डर। এখানে না আছে গণতন্ত্র, নো ডেমোক্রেসি, অনলি সুপার এমার্জেন্সিস গোইং অন। মমতা রাজ মে বঙ্গাল লাল, দিদি কহে আপাতকাল। तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सियासी दुश्मनी का स्तर ये है कि उनकी सुरक्षा में जबरदस्त लापरवाही पर भी ममता के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के मुंह सिले हुए हैं। ममता राज में मोदी की सुरक्षा में लापरवाही तब बढ़ती गई जब 5 बार उन पर जानलेवा हमले की साजिश हो चुकी है। आज ही खुलासा हुआ है कि आतंकी यूपी के मुख्यमंत्री योगी को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से बंगाल में इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। लेकिन वो बुद्धिजीवी भी खामोश हैं, वो नेता भी खामोश हैं, वो क्रांतिकारी भी खामोश हैं, जिन्हें बात बात में देश का लोकतंत्र खतरे में दिखता है। जिनके आंखों के सामने यहाँ से गिरा, वो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, कोई देख ही नहीं रहा था, पुलिस ऐसे मुंह मोड़ के खड़ा हुआ था, उसको पता था और ये पूरी तरीके से डिजाइन करके किए हैं। आभार, नमस्कार। 16 जुलाई को पीएम पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली करने गए थे और रैली के दौरान पंडाल गिर पड़ा था जिससे कई लोगों को चोटें आई थी। खुद पीएम ने एसपीजी से कहा था कि घायलों की फौरन मदद की जाए। रैली में पंडाल गिरने की जांच कर रही उच्च स्तरीय टीम और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में ममता सरकार के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम की सुरक्षा में ममता सरकार में जबरदस्त लापरवाही बरती गई। रैली से पहले मोदी की सुरक्षा में कई गंभीर पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा गया, रैली के आयोजकों और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नहीं था, रैली स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दूसरे जिले के एसपी को दे दी गई थी, रैली स्थल पर आईजी डीआईजी स्तर का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। तृणमूल कांग्रेस के सरकार में सभी असुरक्षित, वहां कानून सुव्यवस्था का पूरा व्यवस्था ठप पड़ी है। देश हित में सवाल ये है कि ममता कैसे ये भूल गईं कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर नक्सली और आतंकी कितना बड़ा खतरा है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे ये पता चलता है कि नक्सलवादी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं। 2013 में पटना में पीएम मोदी की रैली में 6 ब्लास्ट हुए थे। जून 2017 में केरल में पीएम मोदी के खिलाफ आतंकी हमले का इनपुट आया था। अब तक 5 बार पीएम मोदी की जान पर खतरे का खुलासा हो चुका है।
फिर भी ममता और मोदी के खिलाफ गठबंधन में खड़े नेता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली में हुई गंभीर चूक पर खामोश हैं। उल्टे बांग्लादेशी घुसपैठियों का रक्षा कवच बनी ममता को सुपर इमरजेंसी जैसे हालात दिखते हैं। ममता को अपने राज्य में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं दिखते तो भला ये लापरवाही कैसे दिखेगी जो पीएम की सुरक्षा के खिलाफ हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले कैसे हो सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस को ये मालूम नहीं था कि पीएम मोदी पर कितना बड़ा आतंकी खतरा है, फिर भी कई गंभीर लापरवाहियां बरती गई हैं। कैसे? 16 जुलाई को पीएम मोदी की रैली में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में उल्लंघन हुआ। मिदनापुर रैली में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। मिदनापुर में ही पीएम की रैली में लगाए गए टेंट की सुरक्षा जांच नहीं की गई। टेंट गिरने से, बिजली चली जाने से सिक्योरिटी गैजेट्स भी बंद हो गए थे। राज्य सरकार के ज्यादातर अधिकारी रैली स्थल से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर थे। एसपी जो और केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के फोन कॉल्स का जवाब तक नहीं दिया गया।